बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपनी एक भाई, एक बंदे ने मुझको, एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा है। सवाल काफी अच्छा था। मैंने बोला आप अच्छा, जो मेरे भाई सऊदी में बसे हुए, जैसा कि हम हैं, मैं भी इस वक्त सऊदी अरबिया में हूँ, और जो न्यू वीजा आना चाहते हैं, सबके लिए कारआमद वीडियो है जी। बंदे ने मुझसे सवाल ये पूछा था कि भाई, अगर सऊदी अरबिया में पकड़े जाएं तो कितने दिन बाद जेल से निकालते हैं, वापसी का यानी कि सफर करवाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह कहीं के भी आप हैं भाई। तो बंदे ने मुझसे ये नहीं पूछा था, इस भाई ने, यानी कि भाई मुझको बताना चाहिए था आपको कि केस कौन सा होना चाहिए, या इकामा वाले हैं या जो भी है। अच्छा, जो वाकयात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इकामा होल्डर, वीजा होल्डर बंदों के लिए, बाकी केस की मैं बात नहीं करूंगा, वो एक लंबी फिर स्टोरी चल जाएगी। बाकी मैंने केस तो बहुत से देखे हैं यहाँ पर। तो जो बंदों के इकामे एक्सपायर हुए हैं, या जिनके भाई पासपोर्ट के ऊपर ही घूम रहे हैं, या उम्रा पर आए हुए हैं, जो भी डिटेल है उनके मतलब, जो मैंने अपनी आंखों से वाकया देखे हैं, वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, और यकीनन आप भाइयों को इससे भाई मालूमात मिलेगी। सबसे पहले तो एक बंदे का मैं आपको वाकया सुना दूं, वो पासपोर्ट के ऊपर है, यानी कि पासपोर्ट के ऊपर आपको पता ही, वीजे का लगा होता है, जो वीजे की स्टंप लगी होती है उसके ऊपर 90 दिन का टाइम होता है। तो उसने, उसको मेरे हिसाब से एक साल का अरसा हो चला था, तो काम कर रहा था बस उसके ऊपर, कफील पैसे मांग रहा था कि भाई पैसे लाओ, तुम्हारा इकामा लगाऊंगा, ये है वो है। तो वो पैसे नहीं थे उसके पास, ये जो भी मामला था, अलग से स्टोरी है। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये किस्सा सुना रहा हूं, इसी से रिलेटेड एक बात यहां पर मैं पहले क्लियर करता चलूं कि हाल ही में हम मदीना शरीफ, मैं खुद पकड़ा गया हूं, यहां पर आपको मैं शायद वो पिक्चर दिखा रखा हूं, तो मैं खुद उसके साथ था, इस लड़के के, तो इसके पास भी पासपोर्ट था जी, और इसको भी एक साल का अरसा होने वाला था, लेकिन इसको छोड़ दिया गया था। क्यों? क्योंकि भाई जाओ अपना इकामा बनाओ, अपने कफील से मिलो, और इस वायरस के चलते हुए लॉकडाउन चल रहा था, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, हम मस्जिद नबवी के लिए निकले थे तो वही रास्ते में ही पकड़े गए। बात कर लेते हैं, वो बंदा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज से मैं आपको 2.5-3 साल पहले का किस्सा सुना रहा हूँ भाई। तो इस बंदे को जो छोड़ा है ना पासपोर्ट वाले को, इसको इसलिए छोड़ा था कि इस वायरस के चलते हुए छोड़ा था, वरना उसको जिसको पकड़ा था, जिसकी मैं आपको बात बता रखा हूँ आज से 2.5-3 साल पहले बंदे की भाई, उसको फिर वो जेल में रखा उन लोगों ने, बकायदा उसको जेल में रखा है। उसका बैग था जी, उसकी टिकट वगैरह जो हुई है, उसको बोला तुम टिकट खुद से लोगे, यानी कि छोड़ा तो नहीं बिल्कुल ये, या हम तुम्हारी टिकट, अगर वो, उसने बोला मैं टिकट खुद से ले लूंगा। तो पता नहीं 800 या 1000 के अराउंड में उसकी एक वन साइड की टिकट ली गई थी, और जो सामान था 40 किलो या 50 किलो जितना भी, वो भी उसको बोला था तुम मंगवा लो। हम जो उसके जानने वाले थे यार रहाइश पर, वो लेकर गए, उसको वो सामान के बैग वगैरह भी दिए, यानी कि 40-50 किलो जितना भी सामान था, वो लेकर अपना भाई एयरपोर्ट के ऊपर गया, वहां जहाज पर बैठा है, घर चला गया, यानी कि उसको सफर करवा दिया गया था। और अभी बात कर लेते हैं दिनों के ऊपर, 10-15 दिन के अंदर उसको भेज दिया गया था। और जो बंदे पकड़े जाते हैं जिनके इकामे तीन, यानी कि अभी जैसा कि चल रहा है, 3 इकामे एक्सपायर है, तो आपका क्रूज लगा दिया जाएगा, तो आपको भी भाई 10-20-30 दिन भी हो सकते हैं, यानी कि 1-1.5 माह, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 माह के अंदर बंदा निकाल देते हैं ऐसा बंदा। जिनके ऊपर केस हो वो अलग से मामला है जी, मैं आपको पहले जैसे बता दिया, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी बात कर लेते हैं भाई के अभी जो सूरत हाल चल रही है इसको देखते हुए। बहुत से आपने बंदे देखे होंगे अभी खरूज नहीं लग रहे हैं, जैसा कि इकामे एक्सपायर हैं, आप भाई किसी के थ्रू या किसी को मिलकर खरूज लगवा कर अपना जा सकते हैं, आप अभी खरूज नहीं लग रहे हैं, अभी इकामे लगवाओ तो फिर खरूज लगेगा आपका। और इसके लिए हल, बहुत से बंदे मुझे अभी भी ये भी इसके मतलब भी कमेंट करते हैं, भाई आप भी सुन लें, इसका हल ये है कि भाई आप अपने सफारत खाने में जाएं, वहां पर जाकर उनको बोलें कि मेरा कफील मेरे इकामे नहीं लगा रहा और मैं अपने मुल्क का सफर करना चाहता हूं, तो वो आपकी फाइल एक बनाकर जमा कर लेते हैं, वो बाद में मकतबे अमल भेजते हैं, और उसके बाद भाई वो जवाजात में जाती है, यानी कि जो भी जेल होगा जद्दा शमेसी जाएगी, वहां से आपका खरूज कन्फर्म होकर आएगा। ये मुकम्मल डिटेल से इसके मतलब मैं वीडियो अपने इसी चैनल पर शेयर कर चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो अभी की जो सूरत है उसमें यह है कि अभी भाई मैंने ऐसे भी मर्दों के मुंह से सुना है कि वो बोलते हैं कि सऊदी 5-5 हजार रियाल या कोई खारजी 5-5 हजार रियाल मांग रहे हैं, बोल रहे हैं जेल से तुझे जेल से भेजूंगा और वहां पर भी 7 दिन रखूंगा। तो अभी के मामला थोड़े भाई मुश्किल है, यानी कि अगर आप जेल के थ्रू भी अभी आप पाकिस्तान या इंडिया का सफर करना चाहते हैं तो फिर भी आपको 1-1.5 माह का टाइम लग सकता है जेल के थ्रू, वरना अगर आप भाई अपने इकामे लगवाकर खरूज लगवाना चाहते हैं तो फिर बेस्ट है। इसके आप जेल में भी नहीं जाना चाहते, इकामे में भी नहीं लगवाना चाहते, तो फिर आप स्वार्थ खाने का रुख कीजिए, वहां से आपको भाई टाइम लगेगा 1-2 माह या 3 माह, तो आपका काम हो जाएगा, आप 1-3 माह भाई आप कहीं भी काम कर सकते हैं। आपका जब काम हो जाएगा तो फिर आप अपनी खरूज वगैरह टिकट वगैरह आपको टाइम दे दिया जाता है,
क्रूज वगैरह टिकट वगैरह लेकर जा सकते हैं। और इसके मुतल्लिक भी एक मुकम्मल डिटेल के साथ मैं वीडियो शेयर कर चुका हूं, यानी कि आपका सफारतखाने से खरूज कैसे लगता है, और पूरे सबूत के साथ मैंने उससे में बताया भी है, वो कागजात वगैरह भी सब दिखाए हैं, खरूज कितना कैसे लग सकता है और टाइम कितना मिलता है, ये सारी सूरत मैंने उसी में बता दी है।